लाटविया की राजधानी सोल में मिसेस यूनिवर्स स्पर्धा का शानदार आयोजन किया गया था। मिसेस यूनिवर्स स्पर्धा के लिए 100 देशों के 110 स्पर्धकों ने हिस्सा लिया था। उनमें से भारत के नागपुर गढ़चिरौली की अधिवक्ता कविता मोहरकर ने मिसेस यूनिवर्स का ताज मिलाकर सम्मान से सम्मानित होकर सात समंदर पार देश का और नागपुर गढ़चिरौली का नाम रोशन किया है। उनके काम की सब लोग काफी सराहना कर रहे हैं। पेश हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट सात समुंदर पार से। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है नागपुर के गढ़चिरौली जिले के निवासी अधिवक्ता कविता मोहरकर ने। हर कोई अपने आप में, अपने तरीके से, अपने अच्छे काम से सात समंदर पार भारत का परचम लहरा रहा है। इसी क्रम में नागपुर गढ़चिरौली की अधिवक्ता कविता मोहरकर, इन्होंने 100 देशों के 200 से अधिक स्पर्धकों को पीछे छोड़ते हुए मिसेस यूनिवर्स और मिसेस यूनिवर्स वर्सिटी जैसे दो अवार्ड मिलाते हुए मिसेस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया। साउथ कोरिया की राजधानी सोल में मिसेस यूनिवर्स स्पर्धा का शानदार आयोजन किया गया था। 10 दिन के सफर में तकरीबन 7 से 8 राउंड हुए। अधिवक्ता कविता मोहरकर, इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर मौजूदा देशों के लोगों का दिल जीत लिया। अपनी शानदार आवाज से बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस देने वाली नागपुर गढ़चिरौली के अधिवक्ता कविता मोहरकर, इनके कामों की सभी ने सराहना की है। साउथ कोरिया के सफर के बारे में मिसेस यूनिवर्स अधिवक्ता कविता मोहरकर, इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। आई एम ओवरवेल्ड, बहुत खुशी हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि गढ़चिरौली जैसे जगह पे रहने के बाद में हम साउथ कोरिया जाते हैं और वहाँ से कुछ अचू करके लाते हैं। इट इज़ नॉट फॉर मी बट इट इज़ फॉर द इंडिया। और बहुत कुछ सीखने को मिला। एक 10 दिन का सफ़र था साउथ कोरिया में। वहाँ एक 100 कंट्रीज़ के 110 कुछ देशों से दो पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो गांव से जाने के बाद, एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने के बाद जो एक एक्सपीरियंस होता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, सो आई गेन दैट एक्सपीरियंस। मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो आउटस्टैंडिंग था और जजेस का स्टैंडिंग ओवेशन था। तो वो देखने के बाद ऐसे लगा कि नहीं, इट इज़ नॉट द मैटर फ्रॉम वेयर यू आर, इट इज़ द मैटर ऑफ टैलेंट एंड ब्यूटी। तो बहुत अच्छा लगा, एवरीबडी अप्रिशिएटेड। और वहाँ इंटरनेशनल फोरम के सामने हमारे शब्दों को, हमारे वक्तव्य को रखते हैं और उसको अगर डिस्क्राइब करते और इतना बड़ा एप्रिसिएशन अगर मिलता है तो नेचुरली इससे और अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। जिन्हें कुछ करने की चाहत होती है उनके जीवन में उजाला होता है और ऐसा ही उजाला सात समंदर पार हमारे नागपुर गढ़चिरौली की अधिवक्ता कविता मोहरकर, इन्होंने किया है और अपने देश का नाम रोशन किया है, जिसकी सराहना पूरे भारतवर्ष से हो रही है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।